तो बहुत झूठे वादे करके बहुत सारे जा लिए, अभी तक कोई काम नहीं होया। ऐसे कैसे परेशान है, सारा पूरी गली का पानी एक ही तरफ उतर रहा है। समस्या समस्या हम न तो आ रहा, तो जिंदगी खराब हो रही हमारी भी, हमारे बालका की भी। और वोट लेना होंगे तो आएंगे, नुकेंगे नू करो, हम तो नू भी कर देंगे। तो सुविधा तो करो, सुविधा तो हमने कुछ नहीं दिख दी। जो कोई आप वोट लेकर चले दर्पण का ना अपना बैठा आराम का, किसी ने सुना ही नहीं। किसी ने बारी उनके पास हम कई बारी 10 बारी जाली होंगे कम से कम भी, रविंद्र भाटके के पास जालिए और पहले जो ना रेवड़ी बना था उसके पास भी जालिए, लेकिन हमारी कोई गली के अंदर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। एक हमारा गली का सुधार होगा तो हम वोट देंगे, नहीं तो बिल्कुल हमने वोट बिल्कुल किसको नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वॉइस ऑफ पानीपत में और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। जैसे कि आपको पता है वॉइस ऑफ पानीपत की टीम लगातार सर्वे में लगी हुई है, उसी के दौरान आज हम आए वार्ड नंबर 10 में, जिसके पार्षद रविंद्र भाटिया। और ये वो नेता है जो आए दिन नगर निगम की बैठकों में अपनी आवाज़ को उठाते हैं। तो आइए देखते हैं इनके वार्ड में और जानते हैं इनके वार्ड का हाल। तस्वीरें हैं पानीपत के उस पार्षद के वार्ड की जो सीनियर नेताओं में गिने जाते हैं। नाम है उनका रविंद्र भाटिया और वार्ड है उनका वार्ड 10। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। वॉइस ऑफ पानीपत आज पानीपत के वार्ड 10 में सर्वे करने के लिए पहुंची। इस दौरान पूरी कॉलोनी का क्या हाल है वो आप खुद तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों का यहां पर जीना दुभर हो चुका है, यहां के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोगों का गुस्सा जाहिर हो रहा है अपने पार्षद पर। उनका कहना है कि उनसे झूठे वादे किए गए थे और सबसे ज्यादा गुस्सा है यहाँ की महिलाओं में। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने वोट दिया था क्या सोचकर और क्या हो गया। कोई भी नेता जब भी उनके वार्ड में आता है वोट लेकर वो चला जाता है, लेकिन उसके बाद उनकी सुनता तक नहीं। वो कई बार पार्षद रविंद्र भाटिया के पास भी जा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। समस्या जस की तस बनी हुई है। बच्चे यहाँ पर चोटिल हो जाते हैं, बुजुर्ग यहाँ पर चोटिल हो जाते हैं, यहाँ पर पैदल आना जाना दूभर हो चुका है। एक बार सुनिए लोगों की। ना तो कोई स्वीपर है, ना कोई पानी की वो है, और बहुत परेशान हो रहे हैं। चलने तो ही परेशान, छोटे बड़े सब परेशान हो रहे हैं। यहाँ सफाई कर्मचारी अभी तक एक नहीं आया, दुनिया बन के जाली दुनिया कुर्सी पे बैठे है, फिर बाद में बात नहीं कर दे और फिर बका के ऐसे ही चलते बन रहे। आम शीतन न तो क्या, कितने बन के जाली है और कितने आगे, कोई नहीं यहाँ ध्यान दे रहा। आवे हैं ऐसे कह के वादे करे हैं और चलते बने हैं भाई। ऐसे वादे करके तो बहुत झूठे वादे करके बहुत सारे जा लिए, अभी तक कोई काम नहीं होया। ऐसे कैसे परेशान हैं, सारा पूरी गली का पानी एक ही तरफ उतर रहा है। अरे भाई बस्ती को माथागढ़ रोड कोई नहीं सफाई कर्मचारी। हाँ ये सफाई आ रहा, कोई नहीं आंदा रहा। ये कितने दिनों से नहीं आ रहे माता जी? 2-4 दिन के पीछा है, हफ्ते में आ गया एक बार, बस इतना ही हो। हाँ डे बस्ती आए हैं, पानी की और गंदगी की बहुत सफाई है, काफ़ी दिनों से चल रही है, सुनाई नहीं हो रही। चाय बनाते तो चाय फट जाती है, खाना बनाते खाना भी बेकार लगता है। तो सफाई कर्मचारी कितने दिनों से नहीं आ रहे? काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे। तो और कुछ परेशानी? बस यही परेशानी है पानी की और सफाई की। नहीं एमसी एक बार भी नहीं आया, देखने भी नहीं आया, वोट लेने तो आ जा। ये कश्यप कॉलोनी में 10 वार्ड है भाई। तो क्या कुछ समस्या है? समस्या समस्या हम ना तो आ रहा, तो जिंदगी खराब हो रही हमारी भी, हमारे बालका की भी। बाल तैयार होकर जाओ तो पट जा सर लते 10 जा, हाँ फिर को करू ना स्कूल में भेज जा। हाँ किसी ने कहा तो ना जमादार लान दे और ना कुछ, इतने परेशान हो रहे हम तो इतने परेशान। 2 बार मैं पढ़ ली, एक ही तो टांग टूट ली, लग भी नहीं ठीक हो ली। और कंधे हो तो सबूत दे भाई है, और वोट लेना होंगे तो आएंगे नुकेंगे नू करो, हम तो नू भी कर देंगे। है तो सुविधा तो करो, सुविधा तो हमने कुछ नहीं दिख दी। जो कोई आप वोट लेकर चले दर्पण का ना अपना बैठा आराम था। हमने तो सब तक बड़ी गंद की है परेशानी भाई, और पानी पैप दब जाए तो अच्छा है। हमने नुए दिया था कुछ सुविधा होगी, तो कुछ नहीं सुविधा ही, एक दिन जमादार भेजा फिर छुट्टी बस। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नालियों में गंदगी अटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियों का क्या हाल है,
कूड़े का ढेर जगह जगह पर लगा हुआ है और लोग गुस्साए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। दिक्कत ये है कि भाई एक तो यहाँ सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और भाई ना पानी निकलने की सुविधा है। बाहर गंदगी का ढेर इतना लगा है कि भाई कहने के बावजूद भी मतलब वो आते नहीं है और ना उठाने वाले आते हैं। तो ये समस्या और एक पानी की समस्या, पानी में ये जो गंदा पानी पानी में मिल के आता है, मतलब इसकी कोई करी जाए सुविधा और वो कुछ भी नहीं है। सुविधा तो कुछ है ही नहीं। सीवर भी चाहिए है, गली में सीवर चाहिए है। एक बार बाहर नाला पड़ा है बिल्कुल खुला, उसमें ना तो कुछ पानी है ना कुछ, उसको मिलाने के लिए कहे तो ये भाई तुम्हारे सेक्टर में नहीं पड़ता ये बोलते हैं। आपने कभी एमसी को बोला सुनवाई हुई आपके? एमसी बोल रहे ये तुम्हारे वार्ड में ही पड़ता है, एमसी ये बोलता है तुम्हारे वार्ड में ही पड़ता है। तो वोट वोट तो हमारे वार्ड से भी जाती होगी, बाहर तो रोड तो हमारा ही है, वो मतलब जाने जाने के लिए रास्ता वही तो चलेगा। तो क्या सोच के वोट दिया? क्या चीज और पहले जो सभी यही कहते कि भाई हम ये भी काम कराएंगे ये भी काम कराएंगे, बाद में कौन कराता है? अब दो महीने बाद फिर चुनाव है तो फिर अपने हिसाब से करेंगे ना हम कार्रवाई। महाराज जो इतना बुरा हाल है आप देख सकते हो गली के अंदर, इतना बुरा हाल है। रविंदर भाड़ी के पास हम जा लिए, 10 बारी जा लिए लेकिन यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। बालक को कम से कम भी यहाँ पे रोज स्कूल में जाते हैं, रोज बालकों को जो है ना चोट लगती है, कईयों के पाँव टूट लिए यहाँ पे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। हम ये चाहते हैं कि हमारा गली का सुधार होगा तो हम वोट देंगे, और नहीं तो बिल्कुल हमने वोट बिल्कुल किसको नहीं देंगे हम किसी को भी। एमसी आपके बीच कितनी बार आया? हम जो एक बार नहीं आया यहाँ पे, एक बार भी नहीं आया एमसी यहाँ पे। तो आपने क्या सोच के वोट दे दिए? बट हमने कहा था भाई वो कह हम सुधार करेंगे करेंगे, लेकिन किसी ने कोई सुधार नहीं करा हमारा। अब 2 महीने बाद फिर चुनाव है, अब 2 महीने बाद चुनाव हो तो आप तो आएंगे। हम ये चाहते हैं हमारे गली का सुधार होए। तो इस समस्या कितने दिनों से है? समस्या ये तो 60 साल हो रहे समस्या ही समस्या है यहाँ पे। तो इस बीच किसी ने सुनवाई नहीं करी? किसी ने सुनाई नहीं किसी ने भरी। उनके पास हम कई बारी 10 बारी जा लिए होंगे कम से कम भी, रविंदर भाटके के पास जा लिए और पहले जो है रेवड़ी मना था उसके पास भी जा लिए, लेकिन हमारी कोई गली के अंदर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। लोगों का कहना है कि इस बार तो वोट तभी मिलेगा जब यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आखिरकार आपने वार्डवासियों से सुन ही लिया होगा कि वार्ड में क्या क्या विकास हुए हैं और क्या क्या समस्या है। तो वो इस पानीपत की टीम लगातार इसी प्रकार सर्वे करती रहेगी। अपील आपसे यही रहेगी कि वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले वार्ड के साथ।